हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं यू यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोग को अर्बन ब्लैक टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +21, एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +12, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +15, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से रेड कलर की सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +34, एंड इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -12, एंड नेक्स्ट जाते हैं ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -24, एंड इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को हम +20 रखते हैं, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी करेंगे -100, एंड इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -16, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी कर देंगे -100, एंड इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -20, एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -70, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को करेंगे +100, एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इसे और बेटर बनाने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +30, एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, डीएच की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +9, एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो गाइस, विनेट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -40, एंड यहाँ से मिड पॉइंट की वैल्यू को करेंगे 0। तो गाइस, यहाँ से फेदर की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं 74, एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं 21, एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी बैकग्राउंड कलर है, चाहे हमारी फोटो है, वो बिल्कुल स्मूथ लगे, ठीक है, फटे नहीं। एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन, इसकी वैल्यू को भी यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +8। सो गाइस, फाइनली हमारा फोटो एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं, बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी, एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइस, आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस, आप लोग को एडिटिंग पसंद आए, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।